जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। सुबह की 8:01 हो गई है और आपका गिफ्ट निफ्टी शायद मेरे ख्याल में 3 पॉइंट माइनस है, 1 पॉइंट प्लस है। 24,540 1 पॉइंट प्लस है, मतलब फ्लैट ही है। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो कल 200 EMA की बात मैं कर रहा था, वो मैंने कल पूरे कई वेबसाइट वगैरह में देख के चेक किया तो 24,485 है, जो कि टूट चुका है। क्लोजिंग बेसिस एक दिन तो टूट चुका है, 24,485 है, तो एक दिन के लिए तो वो टूट चुका है। यानी कि आज की क्लोजिंग, आज जो दिन है उसकी क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंटली 24,567 के ऊपर आना जरूरी है। अदरवाइज टारगेट क्या बनता है वो भी सुन लीजिए, 24,123 या 24,125 बनेगा। मैं आपको जुड़वा देता हूँ इसको, कितना होता है 24,694 से 540 पॉइंट घटा दीजिए, 24,694 माइनस 540, चौबीस छः सौ चौरानवे 540 यानी कि 24,154 ये टारगेट आपका बनता है, 24,154 मेरा जहाँ तक आइडिया मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। 24,694 24,694 माइनस 5,440, 5,440 को माइनस करें, एक तो हो ही गया, 94 माइनस 40, 54, ठीक है, 24,154 का टारगेट बनता है निफ्टी का ऑफिशियली, अगर आज हम 567 के ऊपर क्लोज नहीं किए तो। ठीक है, इमीडिएट टारगेट 24,154 का बन रहा है। अब मेरी वो सारी बातें सच हो रही है जो आपको याद होगा, पिछले महीने हम रोज प्रार्थना करते थे भगवान से, कब गिरेगा कब गिरेगा भगवान कब गिरेगा, और ये महीना जब गिर रहा है तो अब आप ही वो लोग हो जो आप प्रार्थना कर रहे हो कि कब बढ़ेगा कब बढ़ेगा। ये मेरे डायलॉग, मेरी माँ की कसम, मैंने कम से कम 100 बार वीडियो में बोले कि ऐसा दिन आएंगे कि आप जो मुझे अभी पागल समझो कि शॉट मरवा रहा है, आप फिर प्रार्थना करोगे भगवान कब ऊपर आएगा कब ऊपर आएगा। ठीक है, चलिए एक बड़ा सबूत तो मैं आपको ये दिखाता हूँ 26 तारीख का, जो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, मेरी हर ग्रुप में, ऐसा नहीं कि खाली एक ग्रुप में, मैं ये बहुत बड़ा सबूत आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरे बहुत अजीज दोस्त है, उनका मैं व्हाट्सअप दिखा रहा हूँ, हालांकि मेरे ग्रुप में भी इसी टाइम पे एग्जैक्टली 26 सितंबर को जब निफ्टी का हाई था 26,250, सुन लीजिएगा, 26 सितंबर को एक्सपायरी हुई थी सितंबर सीरीज की, उस दिन निफ्टी का हाई था 26,250, फिर 27 तारीख से गिरावट चालू हुई, 27 तारीख को हाई बना 277, खाली थोड़ा सा ऊपर हाई बना, 250 का हाई था इस दिन, जिस दिन सितंबर की एक्सपायर, उस दिन मैंने क्या लिखा है, फॉर अक्टूबर सीरीज मैक्सिमम अपसाइड इवन इन वर्स्ट केस इज 26,500 एंड मिनिमम डाउनसाइड इज 24,000 to 22,500, दिस इज माय व्यू फॉर एंटायर अक्टूबर सीरीज, 11:27 26 सितंबर 2024, ये मेरी जितनी भी ग्रुप है सब में लिखा हूं मैं। ठीक है, तो आप सोचो ये मैं लिख के मैं खुद साला अभी ये 24,700-800 से मैं भी एक बार बाउंस बैक की बात कर, मैं बुलिश नहीं हुआ हूं, मैं ये भी बोला था 25,200-300 आके फिर एक 1500 पॉइंट की गिरावट आ गई है, मैं बार बार बोला हूं, लेकिन मुझे बुलिश होना ही नहीं चाहिए कि गिरावट इस बार पहली बार की, ये पहली गिरावट ऐसी है जहां बीयर्स बहुत स्ट्रांग है। क्यों मैं आपको बताता हूं, अब तक की जब गिरावट भी आई है, चाहे इलेक्शन के टाइम में आई, वो एकाध दो दिन टिकी है, वहां प्राइस करेक्शन बहुत फास्ट हुआ लेकिन टाइम करेक्शन नहीं हुआ। इस बार 3 तारीख, जो मैंने कितनी वीडियोस में बोला कि नवरात्र के पहले दिन से गिरावट स्टार्ट होगी, नवरात्र का पहला दिन 3 तारीख था, अब 3 तारीख से गिरावट में स्पीड देखिए, और 3 तारीख के बाद आज हम कहाँ पहुँच गए,
23 तारीख को कहाँ पहुँचे आप खुद देख लीजिए। मेरी हर बात राइट हुई, लेकिन मैं भी इंसान हूँ। देखिए इस जगह आके मैंने लगा, मुझे लगा यहाँ से 200-300 पॉइंट तो कम से कम खींचेगा, 24,700-800 से, ठीक है, मतलब 400-500 पॉइंट खींचेगा, लेकिन नहीं, ग्रिप इनकी बहुत स्ट्रांग है। ये मैंने अपने ग्रुप में लिखा है, अभी ये मत सोचिए कि तेज़ी का मार्केट है, ये है मंदी का मार्केट। ये उछाल जो हो रही है वो गिरने के लिए हो रही है, वैसे ही। और आप सुबह देखिए, सुबह रोज़ निफ्टी 100 पॉइंट तेज खुलता है और फिर 300 पॉइंट गिरता है। ये चीज़ पहले हमारे साथ मंदी में होती, हम मंदी करते थे, 100 पॉइंट निफ्टी गिरता था फिर 200 पॉइंट उछल जाता था। अब ये जो नए नए लड़के आए थे कोरोना के बाद, जिसको लगता था स्टॉक मार्केट में जिसमें भी स्टॉक खरीदो वो पैसा बनता है, इसमें से 30% तो भाग गया और 30% थोड़े टाइम के बाद भाग जाएंगे। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ बॉन्ड पेपर पे, ठीक है। उनको समझ में आ गया अपना वो जूते चप्पल का धंधा, कपड़े का धंधा, वही सब अच्छा है, ये बेकार है। 30% को समझ में आ गया और 30% को समझ में आएगा लेट, ठीक है। ये जो इतने आए थे ना, आपको मालूम है ये इतना पैसा लगा हुआ है इसलिए मार्केट बचा हुआ है। एफआईज ने करीब करीब 90,000 करोड़ का माल बेच दिया इस महीने में, आज तक का रिकॉर्ड है सर, 70-80 हज़ार किसी महीने में बेचा, तो वहाँ निफ्टी 30-30% गिरा है। पिछले रिकॉर्ड आप निकाल लो, 2008 और 2020 ये सब रिकॉर्ड निकाल लो, जो भी, जब भी एक महीने में एफआईज ने 80 हज़ार करोड़ के माल बेचे हैं कैश में, तो कितना बड़ी गिरावट आई है। अभी तो महीने की 23 तारीख पहुँचे हैं, लेकिन इस बार हमारी कंट्री की जो जनता है वो भी पैसा डाल रही है, और वो पैसा डाल रही है इसलिए DIS पैसा डाल पा रहे। जनता SIP में पैसा डाल रही है, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रही है, और म्यूचुअल फंड वालों के पास फंड बहुत ज़्यादा आ रहा है तो वो मार्केट में पैसा डाल रहे। इसीलिए हम काउंटर कर पाए, इसीलिए हम सिर्फ 1500-1600 पॉइंट 1800 पॉइंट गिरे हैं अभी तक एक महीने में, ठीक है, 1800 पॉइंट। अदरवाइज ये फॉल 1800 पॉइंट इज नॉट इवन कितना परसेंट हुआ, नॉट इवन 7-8% हुआ होगा, 7-8%। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इस बार प्राइस के साथ टाइम करेक्शन हो रहा है। 3 तारीख के बाद आप देखो तेजी वाले ने एक भी अच्छे दिन नहीं देखे। तो ये ऐसा होना था दोस्त, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। अभी जो 24,154 आ सकता है, अगर आज 567 के ऊपर क्लोज नहीं किया तो 24,154 आएगा, वहाँ से निफ्टी एक बार फिर 300-400 पॉइंट खींचेगा ऊपर, और उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड की गिरावट होगी वो होगी 1500 पॉइंट की गिरावट। लेकिन आज अगर तेजी आ सकती है तो आ भी सकती है, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा PCR ओवरसोल्ड है, मार्केट ओवरसोल्ड है। लेकिन कल 100 EMA के नीचे बंद करना ये सिग्नल है, द फॉल इज नॉट फिनिश्ड येट, फॉल अभी भी खत्म नहीं हुई है। तो देखते हैं आज का मार्केट क्या होता है, अब तो डर लगने लग गया है। और फिर भी ऐसे माहौल में मैं आपके आपको एक स्टॉक बताता हूँ, IGL, जो कल भी बताया था, उसको आप डिलीवरी उठा लीजिए, किसी के बाप से मत डरिए, ठीक है। और क्या बताया था मैंने, एक रिलायंस मुझे बहुत पसंद है, मतलब ऐसे माहौल में भी ऐसे स्टॉक ढूंढना कि जो चलेंगे ही। लेकिन ये मार्केट ट्रेडिंग का मार्केट नहीं है कि आपको 2 दिन में पैसा बनेगा, नहीं, अभी तो कोई हथौड़ा लेके बड़ा है बैठा है, कोई एक बच्चों का गेम नहीं होता उसमें वो एक बॉल जैसा उछलता है फिर हथौड़े से बच्चा मार देता है अंदर जाता है, गेम को क्या बोलते हैं मालूम नहीं है, ज़्यादा मॉल्स में रहता है सब, मॉल्स में बच्चों लोग के लिए टक 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 मारते हैं ना थोड़े से, तो बस ये मार्केट जैसे ही उछलने मांगता है थोड़ा मार देता है, ठक, साला कहाँ जाएगा ऊपर। तो दोस्तों ये मैं ही बोलता था 24,000-23,000 सब दिखेंगे, बहुत लोग मजाक उड़ा रहे थे मेरा उस, तो सालों तुम तो चाहते थे नीचे आना, लो आ गया, अब क्यों प्रार्थना कर रहे हो भगवान कब ऊपर जाएगा। दिस इज कॉल्ड मार्केट, जब तेजी होगी तब
तब आप शॉर्ट मारोगे, जब मंदी होगी तो आप लॉन्ग करोगे। जो नए वाले खिलाड़ी आए थे मार्केट में आफ्टर कोरोना, उन्होंने मंदी देखी नहीं थी, अब देख रहे हैं तो उनकी जीप फट के हाथ में आ गई है। मिड कैप और स्मॉल कैप में इतना जबरदस्त टूटा है पैसा लोगों का भी रिसेंट दिनों में कि उनके चेहरे सूख गए। इसीलिए मैं कभी भी डिलीवरी दिलाता हूँ वो फ्रंट कैप, मतलब या तो निफ्टी 50 का शेयर होगा या निफ्टी नेक्स्ट 100 का शेयर होगा, उसी में मैं डिलीवरी दिलाता हूँ, बाकी किसी में मैं डिलीवरी नहीं दिलाता हूँ। ये मैं आपको बोल रहा हूँ ताकि वो बंदा कभी मरे नहीं। ये मिड कैप स्मॉल कैप में ऑब्वियसली रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलते हैं, कभी कभी 100% भी मिल जाते हैं, एक साल में 200% भी मिल जाते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो 100% भी चले जाते हैं, उसको ध्यान रखिएगा भाई। और ये जो फ्रंट लाइन है, आज रिलायंस है, सपोज 2700 भी आ गया, 2400 भी आ गया अगर रिलायंस, तो इसमें ताकत है वापस 1-1.5 साल के अंदर 3200 क्रॉस कर देगा, ठीक है ना। दिस शेयर्स कैन नॉट बी जीरो। टाटा मोटर्स कोरोना के टाइम में 85-86 आ गया था, याद होगा आपको 2020 में, तब किसी ने नहीं लिया। अब 1100 पे 1000 पे सब लेते हैं। व्हेन मार्केट और इन्वेस्टर बनो तो हमेशा लॉन्ग टर्म बनो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी मत बनो। लॉन्ग टर्म इन द सेंस हमेशा आपका मिनिमम पीरियड 3 साल का होना चाहिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो, मिनिमम पीरियड, और 10 साल तक का नजरिया रखोगे तब पैसा अच्छा बनेगा। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, निफ्टी 20 बोल के आता है आपको स्टॉक मार्केट में, डिलीवरी भी मिलती है, डीमैट अकाउंट में चढ़ता है। आप कुछ भी मत करो, जब जब मार्केट 2000-3000 पॉइंट गिरता है वहाँ निफ्टी 20 खरीदते जाओ अपनी रकम से। 1000 पॉइंट निफ्टी गिरा, निफ्टी 20 खरीद लो, 20 क्वांटिटी, 10 क्वांटिटी, 50, जैसे आपकी ये, और उसको रख लो बस। फिर 1000 आपके उस रेट से गिरा और खरीद लो। SIP सबका बाप का रिटर्न इसमें मिलेगा, सबसे ज़्यादा रिटर्न इसी में मिलेगा, चेक कर लेना मेरी बात। जब निफ्टी 7511 आया था 24 मार्च 2020 में, उस दिन अगर निफ्टी 20 किसी ने खरीदना स्टार्ट कर दिया होगा तो उसका कितना पैसा बन गया, और उस दिन किसी ने म्यूचुअल फंड में डाला भी होगा तो उसको बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड ने रिटर्न नहीं किया, जबकि मार्केट तिगुना हो गया, चौगुना हो गया, लगभग 4 गुना हो गया 7511 से, लेकिन म्यूचुअल फंड ने इतना रिटर्न नहीं दिया ये 4 साल में। लेकिन अगर किसी ने निफ्टी 20 लिया होता उसमें, वो लाल हो गया। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट योरसेल्फ रिटर्न, जो भी आप देखो बेस्ट करो। बाकी मुझे कल का जो 100 EMI को तोड़ देना और ये 567 के लो को, दोनों को एक साथ तोड़ना, बस एक ही चीज़ मुझे डाउट क्या डालती है बॉस, ये इतना आसानी से हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन भी एक ही दिन में हो गया, 100 EMI भी एक ही दिन में हो गया, तो ये क्या कोई हलवा थोड़ी है कि आपको इतना आसानी से बता रहा कि हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हो गया है, अब मिनिमम 1600 पॉइंट की गिरावट और बाकी है, ये इतना हलवा नहीं है। इसलिए मुझे आज का दिन थोड़ा एक टर्न अराउंड का दिन हो सकता है ये लगता है, बट स्टिल जो कल 200 EMI टूटा है, ऑब्वियसली बियर्स हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप नाउ। अब तो मैं 25,000 जाना भी मुश्किल मान रहा हूँ मार्केट के लिए, 25,200-300 की बात ही नहीं कर रहा हूँ अब, 25,000 भी चला जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। पहले मैं आपको 25,300 के लिए बोलता था, याद होगा ये 3-4 दिन पहले, ठीक है, तो उसमें 230-234 तक दो बार गया, एक बार 234 गया, एक बार 212 गया, तो मेरा काम हुआ ज़रूर, लेकिन वहाँ शॉर्ट मारना था, ये मैंने बोल भी रखा था। अब मैं बोलता हूँ 25,000 बड़ी मुश्किल से पहुँचेगा अगर यहाँ से तेजी हुई तो, अदरवाइज एक बार 24-154 के दर्शन तो जरूर कराना चाहिए।
अब आ जाइए, जो मैंने ऑफर्स कल या परसों आप लोगों को सुबह बताया, जिसको लेने होंगे, 3 लाइफ टाइम मेंबरशिप का 25,000, 4 लाइफ टाइम मेंबरशिप का 35,000, सब कुछ बताया था, जिसको लेना, ये सब मौके मत छोड़िए। ट्रेडिंग से 2-4 दिन आउट रहिए, मैंने कल भी लिखा था, ऐसे मार्केट में आउट रहना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इधर पुट भी लोगे तो खतरा ये है कि साला कभी भी बाउंस बैक अब आ सकता है, क्योंकि मार्केट की पिटाई कम नहीं हुई है ना दोस्त, लगभग 1800-1900 पॉइंट गिर चुका है। अब आप देखो साला, DIIs इतना बाई कर रहे हैं, उसके बावजूद मार्केट गिर रहा। कल भी DIIs ने 5,869 करोड़ का बाई किया और FIIs ने 3,979 करोड़ का ही सेल किया, फिर भी मार्केट 300 पॉइंट गिरा। तो मार्केट में तो कल नेट कैश आया था 5,869 करोड़ का DIIs ने कल बाई किया और 3,979 करोड़ का FIIs ने सेल किया, फिर क्यों मार्केट गिरा? ये सोचने की बात है। ये वही मैं आपको फिर से बोलता हूँ, सेबी अगर इंक्वायरी करेगी तो बहुत सारे नेता लोग का पैसा इसमें दिखेगा आपको, ठीक है? ये अभी निकाल रहे दिवाली के लिए पैसा, ठीक है? ये तेजी लाइए, 7511 पे ऐसा माहौल बना दिया गया था इस देश में कि लोग डर जाएं कोरोना के नाम पे, और वहाँ नेता लोगों ने पैसा डालना स्टार्ट किया, उन्होंने 4-4, 5-5 गुना पैसा बना लिया। इतना पब्लिक के पास पैसा नहीं होता इंडिया में, इंडिया में अभी मिडिल क्लास की ऐसी हालत है कि साला हर एक आदमी लोन पे, हर एक आदमी। तो ये घंटा मार्केट में जो इतना काउंटर पैसा आ रहा है, ये नेता लोग का आ रहा है। इसको सही भी अगर इंक्वायरी करेगी तो पता चलेगा। आज आप रियल में अपनी हालत देखो, चाहे मेरी देखो, किसी की भी देखो, हर एक आदमी कर्जे में है। आप चेक कर लो मिडिल क्लास। तो हाउ इज दिस क्वांटम ऑफ मनी इज कमिंग इन टू स्टॉक मार्केट? दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, सेबी शुड आस्क देमसेल्व्स। यार पब्लिक की तो हालत इतनी खराब है, फिर ये पैसा आ कहाँ से रहा है? FIIs बेच रही, उनका काम है बेचना खरीदना दोनों, ठीक है? लेकिन हमारे वाले इतना पैसा कहाँ से डाल रहे हैं? हाउ इज दिस दिस ह्यूज क्वांटम ऑफ मनी इज कमिंग फ्रॉम? देखिए, अगर मैं नेता हूँ, मैंने आपके नाम से 4-5 लोगों के नाम से मेरा 100 करोड़ पार्क कर दिया, फिर और 5 नाम ढूंढ के और 100 करोड़ पार्क कर दिया। दिस इज वॉट इज हैपनिंग एक्चुअली। इंक्वायरीज होगी तो वो भी निकलेगा। सो दिस, ये मार्केट इसीलिए इस बार सिर्फ 1800 पॉइंट गिरा, इतनी बड़ी सेलिंग के बावजूद, ठीक है? इसके अदरवाइज इस समय मार्केट 25% गिरता था, जो 8% गिरा, ठीक है? 7% गिरा से 7%। तो अगर ये DIIs का इतना काउंटर बाइंग नहीं आती, और DIIs के पास पैसा कहाँ था? DIIs खुद ही अपना बाप का पैसा जनरेट करती है, पब्लिक वहाँ म्यूचुअल फंड में पैसा डालती है, वही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डालते हैं यहाँ पे। तो ये पब्लिक के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, ये सोचने की बात है। कुछ लोग बड़ा बड़ा मुझे एग्जाम्पल दे रहे, पहले इंडिया में इतना ही लोग इन्वेस्ट करते थे, अब इतना लोग करने लग गए। अरे तो करने लग गए कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं भैया? करने लग गए मैं भी मानता हूँ। आज जनरल अगर सर्वे करा लो आप, चलिए सूरत साड़ी का सबसे बड़ा मार्केट है, यहाँ लगभग 2.25 लाख होलसेल साड़ी की दुकान है, 2.25 लाख, 2.25 लाख होलसेल साड़ी की दुकान है, होलसेल, रिंग रोड बोल के एक एरिया, वहीं पर पूरा आप सर्च करोगे तो लगभग 2.25 लाख दुकान है, ठीक है? सबका काम साड़ी से। अब उसमें से मैं आज की डेट में बता रहा हूँ, सिर्फ 2.25 लाख में से सिर्फ हार्डली 10,000 दुकान है जो अभी प्रॉफिट में चल रही है, बाकी सब दिखावटी दुकान का शटर खोलते और बंद करते हैं। ये रियलिटी ऑफ इंडिया है, जबकि यहाँ से साड़ी पूरे वर्ल्ड में जाती है, खाली इंडिया में। हीरा मार्केट, सूरत का हीरा मार्केट
डायमंड कटिंग में सूरत वर्ल्ड में नंबर वन है, ठीक है। और भगवान की कृपा से मैं जहाँ रहता हूँ वो सारे हीरे वाले रहते हैं, मेरी आस पड़ोसी लोग, ठीक है, मेरी दोनों बिल्डिंग में सब हीरे वाले, ठीक है। तो हीरा मार्केट जो इतना चमक रहा था सूरत में, सूरत डायमंड बुर्स मोदी जी ने ओपनिंग किया, उसकी हालत जाके पता कर लीजिए। वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिजनेस बिल्डिंग स्टार्ट की थी मोदी जी ने, सूरत डायमंड बुर्स ओपनिंग किया था, मेरे घर से पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। वहाँ यहाँ ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा, लोग साला मेंटेनेंस का पैसा नहीं भर रहे अभी वहाँ, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ ठीक से। तो पैसा है तो इनमें कैसे नहीं आ रहा है? आस्क योर सेल्फ क्वेश्चन। मैं तो एक बिजनेस सिटी की बात कर रहा हूं, जो नॉर्मल सिटी में तो और हालतें खराब है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मुझे जरूर से कमेंट में चूतिया लिखना, ये दोनों बातें मैं झूठ लिख रहा हूं तो बोल लिखना। तो ये साला ये गेम जो हो रहा है ना, अभी पब्लिक को खुश ट्रैप का गेम है। देखिए ऑप्शन एक बड़ा ट्रैप गेम है, उसमें आप जब तक इंट्राडे ऑप्शन में नहीं उतरोगे तब तक आप पैसा नहीं बना सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। पोजिशनल कितना भी लो, आज लोगे कल प्रीमियम घट के माँ बहन हो जाएगी, ठीक है। या तो कोई स्टॉक का स्टॉकिस्टिक 2-3 आ जाए तब उसका ऑप्शन ले लो, 1-2 महीने का अगर आगे का मिलता है तो, ठीक है। तो बहुत कुछ तरीके ऐसे हैं जो मैं आपको क्लास में मैं सिखा सकता हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ क्लास ज्वाइन करो 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 करो, हाथ जोड़ के विनती है। जय जिनेंद्र, जय बोलना चाहिए।